नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। अजमेर जिले के बयावर में स्थित राजकीय अमृत कौर हॉस्पिटल की मदर एंड चाइल्ड विंग की नर्सरी में सोमवार रात बड़ा हादसा हो गया। हादसे में नर्सरी में वार्मर की हीट बढ़ने से दो नवजात की मौत हो गई। इनमें एक बच्चा 5 दिन का था जबकि एक बच्ची 12 दिन की थी। हादसे के बाद हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर उपखंड अधिकारी राहुल जैन, CMHO के सोनी और प्रशिक्षु IPS सुमित महराणा जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल हादसे की वजह तकनीकी फॉल्ट बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बयावर के राजकीय अमृत कौर हॉस्पिटल की नर्सरी के एक वार्मर में सोमवार रात 8 बजे अचानक हीट बढ़ गई। इससे वार्मर पर भर्ती दो नवजात शिशु की हालत बिगड़ गई। मौके पर तैनात स्टाफ को पता चलते ही तुरंत हॉस्पिटल प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही PMO डॉक्टर SS चौहान, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PM बेहरा, डॉक्टर MS चंदवात व डॉक्टर अशोक जागिड़ मौके पर पहुंचे। शिशु रोग विशेषज्ञों ने दोनों नवजात की जांच कर उन्हें उपचार देने का प्रयास किया लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने नर्सरी में भर्ती अन्य शिशु की भी जांच की जिनका स्वास्थ्य सामान्य मिला। वहीं हादसे के बाद हॉस्पिटल में एहतियात बरतते हुए पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। फिलहाल दोनों नवजात के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।